हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हीट्रोजेनस नेचर। हमें पता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन दो फेजेस से मिलकर बनता है, एक होती है डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा होता है डिस्पर्शन मीडियम। तो ये दो टाइप के फेजेस से मिलकर बनता है, इसीलिए अपन इसको हीट्रोजेनस बोलते हैं। देखने में ऐसा लगता है कि होमोजीनियस है, ऐसा लगता है कि पूरा एक ही सब्सटेंस है, बट एक्चुअल में ये मिक्सचर होता है दो का, इसलिए अपन इसको बोलते हैं हेट्रोजेनस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देयर पार्टिकल्स हैव हायर मॉलिक्यूलर मास एज कंपेयर टू सॉल्यूशंस, हेंस वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर लो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी याद करें अपन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशंस की ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। पार्टिकल्स का नंबर कितना है इस पर डिपेंड नहीं करती कि पार्टिकल किसका है, इस पर डिपेंड करती हैं कि उसकी संख्या कितनी है। ज़्यादा पार्टिकल तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा, कम पार्टिकल्स तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू कम। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, उसमें से एक क्वालिटी प्रॉपर्टी थी एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक थी डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, एक थी ऑस्मोटिक प्रेशर। कोई सी भी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी तुम देख लो, हमेशा क्या होता है, जो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी ऊपर आएगी तो मॉलिक्यूलर मास नीचे, हर क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी में ऐसी होता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाएगी। अब अपन ने पढ़ा था कि ट्रू सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर पार्टिकल्स की जो साइज है वो होती है लेस देन 1 नैनोमीटर, जबकि कोलाइडल की साइज अपन ने क्या देखी, 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक। इससे ही तुम्हें समझ में आ रहा है कि कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की जो साइज है वो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़ी है। तो यदि कोलाइडल सॉल्यूशन बड़े पार्टिकल्स हैं, कोलाइड सॉल्यूशन के पार्टिकल्स यदि बड़े हैं मतलब उनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हुआ, उनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा तो क्वालिटी प्रॉपर्टीज की वैल्यू कम। इसका मतलब कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उनके लिए क्वालिटी प्रॉपर्टीज की वैल्यू कम होती है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब ट्रू सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, फिल्टरेबिलिटी। जो फिल्टर पेपर होता है उसके अंदर ऐसे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं। अब जब अपन इसके ऊपर से कोलाइडल सॉल्यूशन डालते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की जो साइज है वो इस फिल्टर पेपर के जो पोर्स हैं, होल्स हैं, उनकी साइज से छोटी होती है कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज। कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उनकी साइज से छोटी होती है, तो ये जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो इस फिल्टर पेपर में से निकल जाते हैं, पास थ्रू कर जाते हैं। जैसे अपन ने कोलाइडल सॉल्यूशन उसमें से डाला तो वो फिल्टर पेपर में से पास कर जाते हैं। इसका मतलब यदि तुम चाहो कि मैं डिस्पर्स्ड फेस को अलग कर लूं और डिस्पर्शन मीडियम को अलग कर लूं तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में से निकल जाते हैं। ये कहलाती है फिल्टरेबिलिटी। नेक्स्ट, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। इफ अ स्ट्रांग बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन द पाथ ऑफ बीम gets illuminated. This is due to scattering of light by colloidal particles. The phenomena is known as Tyndall effect. इसका मतलब ये कि यदि मान लो किसी कंटेनर में अपन ने colloidal solution लिया, ये कोई कंटेनर है उसमें हमने colloidal solution लिया, अब सपोज अपन ने इसमें से लाइट पास करी, जैसे अपन ने टॉर्च की लाइट इसमें पास करी, तो ये जो लाइट का बीम यहां से निकलेगा ये इसको क्रॉस करके यहां जाता है, तो ये बीच में जो इसका पाथ है ये किस पाथ को फॉलो कर रहा है कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, वो पाथ फिजिबल हो जाता है, वो पाथ भी दिखता है। कैसे दिखता है, यहां पर कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं ये इस लाइट की स्कैटरिंग करते हैं, इसको ऐसे फैला देते हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल्स चमकने लगते हैं, ब्राइट दिखने लगते हैं, और इनकी ब्राइटनेस की वजह से ये जो लाइट का पाथ है ये विजिबल हो जाता है।
जब तुम यही चीज कोलाइडल सॉल्यूशन में करोगे, सॉरी कोलाइडल ट्रू सॉल्यूशन में करोगे, तो ये लाइट अपन ने डाली, यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन है, तो वो लाइट यहाँ से बाहर तो निकलेगी पर बीच में तुम्हें उसका पाथ विजिबल नहीं होगा। रीजन, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, तो पार्टिकल यदि छोटे हैं तो वो लाइट की स्कैटरिंग नहीं कर पाते, लाइट की स्कैटरिंग नहीं करेंगे तो उसका पाथ जो है वो विजिबल नहीं होगा। इसलिए कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो शो करता है टिंडल इफेक्ट। इस फिनोमेना को अपन टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन उसको शो करता है जबकि ट्रू सॉल्यूशन शो नहीं करता। नेक्स्ट, विजिबिलिटी। कोलाइडल पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विथ नेकेड आई, दे स्कैटर लाइट, दे स्कैटर लाइट एंड बिकम विजिबल एट एज ब्राइट स्पॉट्स अगेंस्ट अ ब्लैक बैकग्राउंड व्हेन व्यूड थ्रू एन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। मतलब यूं यदि तुम देखने की कोशिश करोगे कोलाइडल पार्टिकल्स को तो वो तुम्हें नहीं दिखाई देंगे, ये इतने छोटे होते हैं कि वो नेकेड आई से नहीं देख सकते, नहीं देखे जा सकते। लेकिन जब अपन इनको एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में देखते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बहुत छोटी चीजों को देखने का काम आता है, जब अपन इसको एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये एक ब्लैक बैकग्राउंड पे ब्राइट डॉट्स के समान, ब्राइट स्पॉट्स के समान अपने को दिखते हैं। इस तरह से ये पार्टिकल्स विजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। इसमें फर्स्ट है ब्राउनियन मूवमेंट। द ज़िगज़ैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। इट ऑकर्स बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम विथ द कोलाइडल पार्टिकल्स। हमें पता है कि जब अपन किसी कंटेनर के अंदर किसी कोलाइडल सॉल्यूशन को लेते हैं तो उसमें जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लो ये डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं, उनको घेरे हुए रहते हैं कौन? डिस्पर्शन मीडियम, जो सॉल्वेंट जैसा होता है, उसको घेरे हुए हैं डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स। अब ये जो डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स हैं, ये इनके साथ डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स के साथ लगातार टकराते हैं, जिसकी वजह से ये कभी इस तरफ मूव करते हैं कभी उस तरफ मूव करते हैं, तो इसकी वजह से इनका एक ऐसा ज़िगज़ैग मोशन प्रोड्यूस होता है। ये जो ज़िगज़ैग मोशन प्रोड्यूस होता है इन कोलाइडल पार्टिकल्स का डिस्पर्शन मीडियम से टकराने की वजह से, इसको अपन बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट का नाम ब्राउनियन क्यों पड़ा? क्योंकि इसको डिस्कवर करा था रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने पता किया था, उसके नाम पे इसको अपन ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है हमेशा हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाना। वैसे कोलाइडल पार्टिकल्स ये हमेशा मूव करते हैं हाई कंसेंट्रेशन, मतलब जहां इनकी मात्रा ज्यादा होती है वहां से लो कंसेंट्रेशन की तरफ, इसको अपन बोलते हैं डिफ्यूजन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाली प्रॉपर्टी। क्या है देखें प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज इज शोन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स आइदर टूवर्ड्स कैथोड और एनोड। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यह है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं इन पे चार्ज होता है। किस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, किस पे नेगेटिव, मतलब डिस्पर्स्ड फेज पे पॉजिटिव होगा तो डिस्पर्शन मीडियम पे नेगेटिव होगा, कभी डिस्पर्स्ड फेज पे नेगेटिव होगा तो डिस्पर्शन मीडियम पॉजिटिवली चार्ज होगा। कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा ये उनके नेचर पे डिपेंड करता है, ये अपन एक्सपेरिमेंटली ही पता कर सकते हैं, सिर्फ फॉर्मूला देखकर हम नहीं बता सकते कि पॉजिटिवली चार्ज होगा कि नेगेटिवली चार्ज होगा। लेकिन उन पे कौन सा चार्ज है वो अपन
पता करते हैं बाय द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। चार्ज तो है उनपे लेकिन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस से पता चलता है। कैसे पता करते हैं? सपोज अपन ने एक यू ट्यूब ली, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसके अंदर अपन ने कोलाइडल सॉल्यूशन रखा है, जैसे ये आर्सेनस सल्फाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये पिंक कलर का होता है, तो हमने इसको यू ट्यूब में भर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद अपन जब देखेंगे तो ये जो इलेक्ट्रोड है अपना, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, उसके पास में तुम देखोगे कि ये जो पिंक कलर है वो धीरे धीरे रेड में बदल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो आर्सेनस सल्फाइड के पार्टिकल्स थे वो धीरे धीरे जाके यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगे, जमा होने लगे, जिसकी वजह से वो रंग जो पिंक था वो गहरा होते होते रेडिश दिखने लगा। इसका मतलब आर्सेनस सल्फाइड के ऊपर चार्ज कौन सा है? क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब इट मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इससे अपन को पता चला कि आर्सेनस सल्फाइड के जो पार्टिकल्स हैं ये नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। तो इस तरह से अपन को इलेक्ट्रोफोरेसिस से ये पता चलता है कि किसी कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ऑन पासिंग अ कोलाइडल सॉल्यूशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम मूव टुवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड प्रोवाइडेड कोलाइडल पार्टिकल्स आर नॉट अलाउड टू मूव बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। मतलब क्या करना है अपन को इसमें? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज करना है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसके अंदर होल्स बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि उसमें से सॉल्वेंट पास कर सकता है, सॉल्यूट नहीं पास करेगा। मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में डिस्पर्शन मीडियम पास कर सकता है, डिस्पर्स्ड फेज पास नहीं कर पाएगा। तो यदि मान लें अपन कि ये जैसी अपन ने यूट्यूब ली है, बीच में यदि हमने यहां पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, तो जो आर्सेनस सल्फाइड का मूवमेंट हो रहा था पहले यहां से वहां, वो मूवमेंट अब नहीं हो पाएगा, ये मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अपन ने यहां पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया जहां से डिस्पर्स्ड फेज जो कि आर्सेनस सल्फाइड है उसके पार्टिकल पास नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो सॉल्यूशन, जो सॉल्वेंट है डिस्पर्शन मीडियम, उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं तो वो इसमें से पास करके इस तरफ चले जाएंगे। ये तो जब एक ही तरफ का फ्लो होता है, सिर्फ डिस्पर्शन मीडियम मूव कर पाता है, डिस्पर्स्ड फेज मूव नहीं कर पाता, तो उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, कोएगुलेशन। द प्रेसिपिटेशन ऑफ अ कोलाइड थ्रू induced aggregation by the addition of some suitable electrolyte is called coagulation. Coagulation का ही दूसरा नाम है flocculation. The minimum concentration of electrolyte in millimoles that must be added to 1 liter of the soul so as to bring about complete coagulation is called coagulation or flocculation value of the electrolyte for the soul. Smaller the coagulation value, larger is the coagulating power. मतलब समझते हैं कोएगुलेशन का। अभी अपन ने देखा था कि किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। मैंने बोला था किस पे पॉजिटिव होगा किस पे नेगेटिव होगा, ये उनका अपना नेचर होता है। अब सपोज यदि अपन ने एक कोलाइडल सॉल्यूशन लिया जिसके अंदर जो ये कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स हैं, सपोज इन सब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है,
अब अपन ने इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, एक इलेक्ट्रोलाइट अपन ने इसके अंदर मिला दिया। अब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों होते हैं, तो सपोज उसके अंदर ए प्लस और बी माइनस चार्जेस हैं। जैसे ही अपन ने इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर मिलाया, तो ये जो बी माइनस वाले चार्जेस हैं ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होके माइनस प्लस माइनस ये इसका जो चार्ज है उसको कैंसिल कर देते हैं, इनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, चार्जेस को कैंसिल कर दिए। अब यदि ये जो डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज था पॉजिटिव वो कैंसिल हो जाएगा, तो देखो क्या होगा। पहले इन सब पे चार्ज था, जब सब पे चार्ज था तो ये पार्टिकल्स जो थे वो पॉजिटिव पॉजिटिव होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे तो एक दूसरे से दूर दूर थे। इलेक्ट्रोलाइट तुमने डाला, उसने इस पॉजिटिव चार्जेस को खत्म कर दिया, पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दिया, तो अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, रिपेल नहीं करेंगे तो ये इकट्ठा हो जाएंगे, इकट्ठा हो गए एग्रीगेट बना लिया इन्होंने। अब जब ये एग्रीगेट बना लेंगे तो ये भारी हो जाएंगे, भारी होने की वजह से नीचे की तरफ जमा हो जाएंगे, तो ये सॉल्यूशन में नीचे की तरफ डिपॉजिट होने लगते हैं। जब कुछ सॉल्यूशन में नीचे जमा होता है तो उनको उसको अपन बोलते हैं प्रेसिपिटेट, यहाँ पे भी वही होने लगता है। इस फेनोमेना को अपन बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, या उसी का दूसरा नाम है कोएगुलेशन। आगे समझ में, एक बार फिर से बताता हूँ, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम पे चार्जेस होते हैं। यदि मान लो अपन ने कोलाइडल सॉल्यूशन लिया जिसके अंदर पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज थे, उसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं वो इन पॉजिटिवली चार्ज आयंस के पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देंगे। चार्जेस खत्म हो गए तो ये पार्टिकल्स जो पहले एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे अब नहीं रिपेल करेंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, इकट्ठा होने के बाद नीचे की तरफ सॉल्यूशन में जमा हो जाएंगे। इसको अपन बोलते हैं कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। अब ये जो मैंने वैल्यू बताई है कोएगुलेशन या फ्लॉक्युलेशन वैल्यू, उसका मतलब देखिए, इस कोएगुलेशन को कॉज करने के लिए, प्रेसिपिटेशन होने के लिए क्या जरूरी है कि तुम इसमें क्या करोगे, इलेक्ट्रोलाइट मिलाओगे। कितना इलेक्ट्रोलाइट तुमने मिलाया मिलीमोल्स में, इलेक्ट्रोलाइट की कितनी क्वांटिटी अपन मिलाते हैं मिलीमोल्स में जो कोएगुलेशन कॉज करे, किसका कोएगुलेशन कॉज करे, 1 लीटर, 1 लीटर ऑफ सोल का, किसी कोलाइडल सॉल्यूशन के 1 लीटर सोल का, कोलाइडल सॉल्यूशन का कोएगुलेशन कॉज करने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइट की कितनी क्वांटिटी मिलीमोल में उसके अंदर मिलानी पड़ेगी, उस क्वांटिटी को अपन बोलते हैं कोएगुलेशन या फ्लॉक्युलेशन वैल्यू, कोएगुलेशन या फ्लॉक्युलेशन वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। आगे बच्चों समझ में कोएगुलेशन का मतलब। अब यहां हमने क्या लिखा है, स्मॉलर द कोएगुलेशन वैल्यू लार्जर इज द कोएगुलेटिंग पावर। मतलब जिस इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोएगुलेशन या फ्लॉक्युलेशन वैल्यू कम है, इसका मतलब उसके कफन को कम मिलीमोल मिलाने पड़ रहे हैं, कम मिलीमोल मिलाने पड़ रहे हैं, मतलब कम क्वांटिटी मिलाई और जो कोलाइडल सॉल्यूशन था वो कोएगुलेट हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट की कम क्वांटिटी ही अपना काम कर रही है, मतलब वो ज्यादा पावरफुल है। तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी कम क्वांटिटी यूज होती है कोएगुलेशन कॉज करने के लिए। मतलब जितनी कम क्वांटिटी तुम्हें लग रही है इलेक्ट्रोलाइट की, उसका कोएगुलेटिंग पावर उतना ज्यादा हुआ, वही हमने यहां लिखा है, स्मॉलर द कोएगुलेशन वैल्यू लार्जर इज द कोएगुलेटिंग पावर। अब कोएगुलेशन से रिलेटेड ही एक रूल है, इसको हम बोलते हैं हार्डी शूल्स रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है रूल, देखते हैं क्या है। कोएगुलेटिंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयंस, दैट इज आयंस कॉजिंग कोएगुलेशन। अभी अपन ने देखा था कि जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज था, कोलाइडल पार्टिकल्स थे, वो पॉजिटिवली चार्ज थे, इन पॉजिटिवली चार्ज आयंस को इलेक्ट्रोलाइट का जो नेगेटिव आयन है वो न्यूट्रलाइज कर रहा था, तो ये जो नेगेटिव आयन है वो इसके चार्ज को खत्म कर रहे थे, तो इन नेगेटिव आयंस को अपन यहां पर बोलेंगे एक्टिव आयंस। एक्टिव आयंस मतलब जो रिस्पॉन्सिबल हैं
कोलाइडल पार्टिकल के चार्ज को खत्म करने में। हार्ड इशूज रूल क्या कहता है कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा इनके ऊपर, इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, वो यहाँ के पॉजिटिव को उतनी जल्दी खत्म कर पाएंगे। सिंपल है, जितना ज्यादा नेगेटिव उतने ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज आयंस को खत्म करेगा। तो हार्डी शुल्ट्ज़ रूल यही कहता है कि जो कोएगुलेटिंग पावर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द वैलेंसी ऑफ द एक्टिव आयन। मतलब यदि मान लो हमें इस पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन का कोएगुलेशन करना है, हमारे पास है Cl- आयंस, हमारे पास है SO4 2- आयंस, तो हार्डी शुल्ट्ज़ रूल क्या कहता है कौन ज्यादा इफेक्टिव है, किसका कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा होगा, 2- वाले का, क्योंकि ये ज्यादा नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव वाले को उतनी जल्दी कोएगुलेट करेगा। ठीक है, अब सपोज यदि कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते, जो डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज है, तो उनको कौन कोएगुलेट करेगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन। अब पॉजिटिवली चार्ज आयन मान लो हमारे पास दो हैं, Fe2+ और Fe3+ है, फेरस है और फेरिक है, तो कौन ज्यादा इफेक्टिव हुआ, तो हार्डी शुल्ट्ज़ रूल क्या बोलेगा, जो जितना ज्यादा पॉजिटिव है वो नेगेटिव को उतनी जल्दी कोएगुलेट करेगा, मतलब Fe3+ वाला जो है उसका कोएगुलेटिंग पावर अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है गोल्ड नंबर, द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलाइड विच जस्ट प्रिवेंट्स कोएगुलेशन ऑफ 10 मिलीलीटर ऑफ गोल्ड सोल व्हेन 1 मिलीलीटर of 10% solution of sodium chloride is added to it is called gold number. Suppose अपन ने एक gold solution लिया 10 milliliter का, 10 milliliter gold solution अपन ने लिया। अब अभी हमने पढ़ा कि यदि अपन इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट इसके चार्ज को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, कोएगुलेट हो जाता है, नीचे जमा हो जाता है। अब क्या होता है कि यदि तुम कोएगुलेशन से किसी कोलाइडल सॉल्यूशन को बचाना चाहते हो, तुम चाहते हो कि वो नीचे की तरफ जमा ना हो, तो इलेक्ट्रोलाइट मिलाने से पहले ही हम उसके अंदर एक लायोफिलिक कोलाइड मिला देते हैं। लायोफिलिक मतलब सॉल्वेंट लविंग, एग्जाम्पल पढ़ा था गम जेलेटिन। तो जैसे ये कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसके अंदर ये डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स हैं, अपन चाहते हैं कि नीचे जमा ना हो, तो तुम ये जो इलेक्ट्रोलाइट है AB उसको मिलाने से पहले इसके अंदर मिला दो एक लायोफिलिक कोलाइड, एक लायोफिलिक कोलाइड, जैसे गम या जेलेटिन में डाल दिया अपन ने। तो जो लायोफिलिक कोलाइड है वो क्या करता है, इसके ऊपर ऐसी लेयर बना लेता है, इन पार्टिकल्स के ऊपर ऐसी लेयर बना लेता है। जब पार्टिकल्स के ऊपर ये ऐसी लेयर बना लेता है तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर छुप जाता है। अब ये जो B- आयंस हैं, अब वो इन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे तो उनको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे। इस तरह से अपन अपने जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसका प्रेसिपिटेशन बचा लेते हैं, रोक लेते हैं। ये वाला जो लायोफिलिक कोलाइड अपन ने मिलाया जिसकी वजह से कोएगुलेशन नहीं हो पाया, इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड, इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड, क्योंकि उसने कोएगुलेशन से हमारे सॉल्यूशन को बचा लिया, प्रोटेक्ट कर लिया, इसको बोलते हैं अपन प्रोटेक्टिव कोलाइड। गोल्ड नंबर क्या होता है, गोल्ड नंबर होता है इसी प्रोटेक्टिव कोलाइड की क्वांटिटी, लेकिन काय में, मिलीग्राम्स में, प्रोटेक्टिव कोलाइड की क्वांटिटी मिलीग्राम में, जो किसको बचाती है, जो बचाती है 10 मिलीलीटर गोल्ड सोल, 10 मिलीलीटर गोल्ड सोल मतलब गोल्ड के कोलाइडल पार्टिकल्स के सॉल्यूशन के कोएगुलेशन को रोकती है। कब, जब अपन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट उसमें मिलाने वाले हों, जब हम उसके अंदर मिलाने वाले हों 1 मिलीलीटर 10% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो गोल्ड सोल में, गोल्ड सोल जिसकी क्वांटिटी 10 मिलीलीटर है, यदि हम उसमें ये सोडियम क्लोराइड मिला देते तो उसका कोएगुलेशन हो जाता है, लेकिन उसको कोएगुलेशन से बचाने के लिए हमने इस सोडियम क्लोराइड की इतनी क्वांटिटी मिलाने से पहले जितना मिलीग्राम में प्रोटेक्टिव कोलाइड मिला दिया, उस प्रोटेक्टिव कोलाइड की क्वांटिटी जितनी भी अपन ने मिलाई है मिलीग्राम में
उसको हम बोलते हैं गोल्ड नंबर। तो बच्चों इससे गोल्ड नंबर हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। तो अब अपना ये चैप्टर खत्म हो गया है सरफेस केमिस्ट्री। अब हम केमिस्ट्री की अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।